है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की रेसिपी को झट से बनाते हैं। हम जब भी कभी दोपहर की रोटी बना के रखते हैं, बच्चे कभी तो बाहर से खा लेते हैं या फिर सब्जी पसंद आने का रोटी नहीं खा पाते हैं और हमारे बहुत सारी रोटी बच जाती हैं। आपको जितनी भी रोटी है आपने तवे पे हमें हल्का हल्का सेक लें। रोटी को हम दोनों तरफ से हल्का हल्का सेकेंगे और करारा करेंगे। रोटी रोटी से क्रिस्पी हो गई है, अब इसे हटा लेंगे और इसकी जगह हम दूसरी रोटी रख देंगे, वो भी इस तरह से क्रिस्पी करेंगे। इस तरह से आपके जितनी भी रोटी है आप उन्हें हल्के हल्का तवे पे सेक लें और हल्के हल्का करारा कर लें। हमारी सारी रोटी करारी हो चुकी है, अब इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और एक मिक्सी के पॉट में डाल देंगे। रोटी को क्रिस्पी करने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें। रोटी को बनाने से पहले इसे जरूर क्रिस्पी करें। सभी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, आप मिक्सी चला के इसका बिल्कुल एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। हमने रोटी में जो करारा किया था उसका रीज़न ये भी था कि इससे हमारा पाउडर फाइन बनेगा और साथ में जल्दी ही बन जाएगा। रोटी को करारा करने की वजह से रोटी हमारी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो रही है और हमारा बहुत अच्छा फाइन पाउडर बनकर तैयार होगा। हमारी सारी रोटी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है और उसका बहुत फाइन पाउडर बनकर तैयार है। अब चार उबले हुए आलू लेंगे और इन्हें हाथ से ही अच्छी तरह से मैश कर देंगे। आप चाहो तो आप आलू को मैश करने के लिए मैशर का यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रेटर का यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे हाथ से मैश करना ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे हाथ से ही मैश करूँगी। आलू अच्छी तरह से हमारे मैश हो चुके हैं, इसे एक साइड में रखेंगे और एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों की और 1/2 चम्मच साबुत धनिया। इसको वो अच्छे से तड़का लेंगे। जब ये हल्के हल्के लाल हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 10-12 पत्ते कड़ी पत्ते के। जब आप कड़ी पत्ता डालिए तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें ताकि हमारा कड़ी पत्ता बिल्कुल ना जले। इसके बाद डालें आप 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या अपने स्वाद अनुसार। अब इस तड़के को आलू के अंदर डाल देंगे। इस तड़के की वजह से इसका नाश्ते का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसके साथ डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा वो भी बारीक कटा हुआ। इसी हिसाब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अगर आप रोटी में नमक डालते हैं तो नमक की मात्रा यहाँ पर अपने हिसाब से कम रखें। अब इसी के बाद जो हमने रोटी का चूरा बनाया था इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारी सभी आटा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके हम एक छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। अब इस बॉल के अंदर एक सरप्राइज तैयार करेंगे। अब इस बॉल के अंदर डालेंगे मैं 1 इंच पनीर का टुकड़ा और इस मिक्सर में डालेंगे और अच्छी तरह से इसका एक बॉल की शेप दे देंगे। हमने पनीर को बॉल के अंदर अच्छी तरह से कवर कर लेना है ताकि बाहर से बिल्कुल न बच लगे कि हमने इसके अंदर पनीर ऐड किया है। अगर आपके बच्चों को पनीर की जगह चीज़ ज़्यादा पसंद आती है तो आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बॉल बनाएंगे और पनीर को डालते रहेंगे और अपने अपने एक एक बॉल करके बनाते रहेंगे। इस बैटर में हमारे 9 से 10 बॉल आराम से बन जाएंगे। इसमें मैंने 3 रोटी और 4 आलू लिए हैं। हमारे सभी बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं, बस अभी इन्हें हम करेंगे शैलो फ्राई। शैलो फ्राई के लिए आप एक अप्पे का साँचा लें, उसमें हल्का हल्का तेल डालें और अच्छे से गर्म कर लें और उसके बाद इसके अंदर जितने भी हमने बॉल्स बनाए हैं वो डाल देंगे। अब इन्हें मध्यम आँच पर बिल्कुल हम सेकेंगे अल्टोल्ड करके ताकि हमारे चारों तरफ से बॉल अच्छी तरह से सिक जाए। अगर आपके पास अप्पे का साँचा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उसमें भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। पर अगर आप कम तेल के और करारा करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन अप्पे का साँचा ही है। हमारे रोटी के बॉल्स बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक चुके हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी आ रही है। बस अब इन्हें प्लेट के अंदर डालेंगे और गर्मा गर्म हम चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व करेंगे। अब इसे टमाटो केचप के साथ इसे सर्व करेंगे। मेरी बची हुई रोटियों से इस तरह से नाश्ता बनाने की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक खाते रहें, खिलाते रहें। हैव अ नाइस डे।